साथियों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी भाई। आज अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं, आपको एक फॉर्म दिया ऑनलाइन भरने के लिए, उसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए अब का उसका पर्पज है और कोई ज़्यादा उसका पर्पज नहीं है। फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था आपको कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बता दी किस तरह से आपको लाया जाएगा, 650 फ्लाइट के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा गवर्नमेंट की क्या स्थिति है। सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन से लोग फ्री आएंगे, किन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन लास्ट में आएगा, ये बातें उस वीडियो मैंने बता दी। तीसरी हम बात करेंगे अभी फॉरम से रिलेटेड कि फॉरम कौन सा भरना है, उसमें मैं आपको डिटेल से बता देता हूं और लिंक नीचे वीडियो के नीचे भी छोड़ दूंगा, वहां से जैसे ही आपको उसको ओपन करोगे वो पूरा परफॉर्मा खुल जाएगा। लगभग लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई और विदेश में जाने के बाद तो इंग्लिश, अनपढ़ भी इंग्लिश में मोबाइल चला लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉरम सिंपल सा है, उसको भरना होता है, मैं आपको कुछ सिंपल सी बता देता हूं किस तरह से क्या भरना है, फिर उसको सबमिट करना है, आगे की बात आगे करते हैं। इसमें साथ ही लिखा है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सीट फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका मतलब ये है कि भाई इसका फॉरम का मतलब सिर्फ आपका डेटा कलेक्शन करना है, बाकी और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट को आपको रिकवर करने में हेल्प मिलेगी, इंडियन एम्बेसी को हेल्प मिलती है भाई कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, आप बीमार हो, आपको कोरोना है, आपका वीजा कौन सा है, आप कौन से स्टेट से हो, ये पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, उस हिसाब से आपको रिकवर करने में आसानी होती है और आपको भी आसानी रहेगी। तो आपको मैं बता दूं साथियों, फर्स्ट में जैसे आप ये जो नीचे लिंक मैं डाल रहा हूं उसको आप ओपन करोगे, आप टैप करोगे तो ओपन हो जाएगा, फॉरम खुल जाएगा। इसमें ऊपर ये भी लिखा है कि कई बार वेबसाइट क्रैश हो रही है, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो क्रैश हो रही है, तो आप दोबारा ट्राई करें, तिबारा ट्राई करें, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो भाई वेबसाइट एम्बेसी की ईमेल आईडी है उसमें भी आप अपनी जानकारी दे सकते हो। फर्स्ट में आपका फुल नेम मांगा है, पासपोर्ट में जो नेम है वही आपको बताना है, आपकी उम्र लिखनी है एकदम सिंपल भाषा में, जेंडर आप मेल हो फीमेल हो अदर हो वो लिखना है, पासपोर्ट नंबर आपका लिखना है, योर पासपोर्ट वैलिड येस या नो में आपको जवाब देना है, पासपोर्ट अगर वैलिडिटी है तो येस करो वरना नो करो, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आपको डेट भरनी है, टाइप स्टे ऑफ सऊदी अरबिया, यानी आप स्टे का कारण क्या था, आपका हकामा होल्डर हो, शॉर्ट टर्म हो, बिजनेस है, उमरा वीजा, आपका वीजा कौन सा है या आपका अखामा कौन सा है, ये बातें उसमें लिखनी है। अखामा नंबर अगर आपके पास है, रेजिडेंस ऑफ सऊदी अरबिया, यानी अखामा नंबर इसमें आपको डाल देना है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आगे इसमें देखिए लिखा है सऊदी अरबिया डू यू हैव एग्जिट वीज़ा, यानी आप एग्जिट हो या नहीं हो, ये बातें इसमें लिखनी है, अगर आप विजिटर हो तो नहीं लिखनी है, बिजनेसमैन हो तो नहीं लिखनी है आपको, यस या नो में आपको जवाब देना है, जो आपका नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो। रीजन ऑफ रिप्रेशन ऑफ इंडिया, यानी आप रीज़न क्या है, आप इंडिया क्यों जाना चाहते हो, इसका आपको रीज़न देना है, छः सात रीज़न है, इसमें जो भी रीज़न आपका सूटेबल है वो आप रीज़न भाई भर दीजिए। कैटेगरी इसमें मांगा है आपकी कैटेगरी क्या है, यानी आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, वर्कर, टूरिस्टर, विजिटर, ये आप कौन सा हो इसमें आपको भर देना आपको, ठीक है साथियों। सिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ सऊदीया, सऊदीया में आप कौन सी जगह से हो, ये आपको इसमें साथ में डालना है। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदीया, एयरपोर्ट में आपके पास में एयरपोर्ट कौन सा है सऊदी में, वो भी इसमें लिखना है साथियों, ठीक है। आगे इसमें देखिए इंडिया में आपका स्टेट कौन सा है, आपको अभी इंडिया में आप जैसे राजस्थान के हो, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो भी है आप इसमें आप डाल दीजिए, फुल एड्रेस इंडिया, इंडिया का आपका जो पासपोर्ट में एड्रेस है वही इसमें आप डाल दीजिए। आगे देखिए इसमें लिखा है नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू योर डिस्टेंस इन इंडिया, यानी आपका इंडिया में एयरपोर्ट आपके पास में कौन सा है, जैसे आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का एयरपोर्ट पास में है, राजस्थान में है तो जयपुर का एयरपोर्ट पास में है, वैसे आपके पास वाला एयरपोर्ट आपको इसमें भरना है। ईमेल एड्रेस आपके पास अगर है तो आप ईमेल एड्रेस डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर सऊदी अरबिया का, अगर सऊदीया का कॉन्टैक्ट नंबर है भाई हर हाल में वो डालना पड़ेगा आपको, कॉन्टैक्ट उसी से होगा। आगे इसमें लिखा है अगर आपने COVID-19 टेस्ट करवाया है तो यस लिखे, नो करवाया है तो नो लिखे। आपका प्रोफेशन क्या है, स्किल डिटेल्स, एग्जांपल आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, ETC इत्यादि, यानी और कुछ हो, मेसन, कारपेंटर, स्टील, कुछ भी हो आपको इसमें लिख देना है, रिमार्क योर आंसर, ठीक है साथियों। इसको आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। आप रिमार्क का मतलब आपकी पहचान, आपके ऊपर, जैसे आपकी नाक पे कोई तिल या कोई खड्डा अगर हो तो आप डाल सकते हो उसमें। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या लिखा है वो बता दूँ, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। नीचे वाले जो कुछ वर्ड हैं, चार आपकी शर्तें हैं इसमें गवर्नमेंट की, वो कुछ लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा है साथियों कि आप इंडिया रिटर्न आ रहे हो, आप रिटर्न इंडिया आ रहे हो जिसमें एम्बेसी की शर्तें हैं, जो भी शर्तें हैं वो आपको माननी होंगी, ठीक है।
जिसमें आगे इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी या फिर कोई हवाई जहाज में जितने भी ऑफिसर सेना जो भी आपको लेने के लिए रिकवर कर रही है, एयरक्राफ्ट कर रही है, जो भी अधिकारी हैं वो जैसा आपको बोलते हैं, जो आपको आदेश देते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है साथियों कि जो भी चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से बताए जाएंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, कितने भी बताएं क्या भी हो, वो शर्तें इसमें पहले से दी गई है, वो आपको बताने आपको देने पड़ेंगे चार्जेज, यानी टिकट का पैसा, ये समझ लीजिए। चौथे नंबर पे ये लिखा है साथियों साफ साफ कि भाई आपको 14 दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी क्वारंटाइन आपको किया जाएगा 14 दिन के लिए। ये 14 दिन का गवर्नमेंट का फॉर्मूला है साथियों, ये इसको आपको मानना पड़ेगा। इसके नीचे देखिए आई एग्री, यानी इसको यस करके इसके ऊपर यस या नो है, अगर नो कर दोगे तो भाई आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यस कर दोगे, यस करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे पूरा फॉर्म कंप्लीट होके एम्बेसी इंडियन एम्बेसी के पास चला जाएगा और वहाँ से गवर्नमेंट के पास वो डाटा पहुँच जाएगा। ये प्रोफेशन है, ये गवर्नमेंट का फॉर्मूला है, किस तरह से जैसे आप इंडिया में 33 स्टेट हैं तो कौन से स्टेट के कहाँ से हो कैसे हो तो उस हिसाब से रिकवर करना पड़ेगा ना आपको। तो ये प्रोफेशन मैंने बता दिया, टिकट का पैसा मैंने पहले वाले सिस्टम में आपको बता ही दिया, बस यही जानकारी थी। आगे जैसे ही आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।